ज़िमनी इलेक्शन 2018 के इंतजामात से मुतालिक इजलास। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि चारों हलकों में 1330 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। पुलिस और दीगर इदारों की तैनाती आम इंतखाबात 2018 की तरह होगी। आपको बता रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन 2018 के इंतजामात से मुतालिक इजलास हुआ है, जिसमें कमिश्नर लाहौर का ये कहना था कि चारों हलकों में 1330 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। पुलिस और दीगर इदारों की तैनाती आम इंतखाबात 2018 की तरह होगी। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक से। इमरान, इंतजामात के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है? आमना कटाना बिल्कुल कमिश्नर लाहौर डिवीजन की जेर सदारत इजलास हुआ है और इलेक्शन 2018 के हवाले से इंतजाम को देखा गया है। लाहौर में NA-124 और NA-131 जबकि PP-164 और PP-165 में जिमनी इलेक्शन होने जा रहा है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन डॉक्टर मुश्ता प्राचा का ये कहना है कि चारों हलकों में कुल 1330 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे, जबकि पुलिस व दीगर इदारों की तैनाती आम इलेक्शन 2018 की तरह होगी। जबकि जिमनी इंतहाबात के लिए हफाजती व म्यूनसिपल इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा चुकी है, जबकि उनका यह भी कहना था कि अभी सामान की तरसील फौज ही करेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतहाबी जाब्ता अखलाक की पाबंदी कराई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इमरान मलिक।